टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम। अजब मुमरा की गजब कहानी। मुमरा शहर में क्या आपने बीच रोड पर तालाब देखा है? अगर नहीं देखा है तो आज हम आपको मुमरा की सड़कों पर तालाब दिखाते हैं कि मुमरा की सड़क पर कैसे तालाब बन गया है। आप तस्वीरें देखें, ये मुमरा की सड़क है। शंकर मंदिर नाके का इलाका है, यहाँ पर ये सड़क जो है मानो तालाब बन गया है। यह इसी पानी में से लोगों को होकर आना जाना यहाँ से पड़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि दरअसल ये तालाब कैसे यहाँ पर भर गया, कितना पानी यहाँ पर आ गया। आपको बताएंगे कि ये वही मुमरा शहर है जहाँ पर लोग पानी की एक एक बूंद के लिए पानी पुरवठा विभाग के सामने आंदोलन करते हैं कि 10 दिन 11 दिन गुजर जाता है, उनके यहाँ पानी नहीं आता है। और इसी मुमरा शहर में हजारों लीटर पानी रोज इस तरह से सड़कों पर बहता है, जो पानी पुरवठा विभाग की ये नाकामी नहीं है तो और क्या है। इतना पानी यहाँ पर, हजारों लीटर पानी इस तरह से बहता है। अब आपको दिखाते हैं कि दरअसल ये पानी कहाँ से बह रहा है, और ये कोई एक दिन दो दिन से ये पानी यहाँ पर नहीं बह रहा है। जो स्थानीय लोग हैं उनका कहना है कि ये पानी यहाँ पर काफ़ी दिनों से बह रहा है। आप कभी भी शंकर मंदिर नाके इलाके पर आएंगे नाके पर, तो आपको यहाँ पर हमेशा रात में 7 बजे के बाद 11 बजे तक इस यहाँ पर पानी आपको यहाँ पर मिलेगा। दरअसल यहाँ पर दिखाएंगे कि ये पानी की जो है यहाँ से लाइन गई है, और यहाँ से ज़मीन के अंदर से ये पानी यहाँ पर यहाँ से निकल रहा है, और यही पानी बहते हुए रोड के किनारे जाकर लगता है, जो एक तालाब की तरह मानो बन जाता है, और उसी के अंदर से लोगों का आना जाना यहाँ पर होता है। क्या नाम है सर आपका? मुझे मोटले। क्या कहेंगे, इस तरह से पानी बह रहा है यहाँ पर, हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है, लोग पानी के लिए परेशान है, और इस तरह से पानी यहाँ से रोज बह रहा है। जो कॉर्पोरेटर अपने उनको समझ होंगे ना, ये पानी पुरवठा विभाग की भी लापरवाही है, कॉर्पोरेटर की भी लापरवाही है। हाँ, सबकी। तो आपने सुना कि जो लोग हैं उनका कहना है कि ये लापरवाही है, और लापरवाही का नतीजा ये है कि आम आदमी परेशान है पानी के लिए, और इस तरह से हजारों लीटर पानी मुमरा की सड़क पर बहता है, और इसी पानी में से जो पीने के लिए पानी आता है, उसी पानी में से जो है गाड़ियां जाती हैं। शंकर मंदिर नाके के ठीक सामने ही इस तरह का ये पानी का पाइपलाइन जो है फूटा हुआ है, और यहाँ से पानी निकल के आप देखेंगे सीधा रोड की तरफ ये पानी जाता है, और नाके पे ये पानी जमा हो जाता है, और इसी के अंदर से सब यहाँ से जो लोग गुजरते हैं वो इसमें से उनका आना जाना होता है, जो नमाज़ पढ़ने वाले लोग हैं। क्या कहेंगे आप, इस तरह से पानी में आते रहे, गंदा पानी ये है, नमाज़ पढ़ते हैं आप, आना जाना पड़ता है, क्या बोलेंगे आप? ये सही नहीं है पानी, कपड़ा गंदा हो जाता है, नमाज दुरुस्त नहीं हो जाती है, इसको इसको सही करना चाहिए। अच्छा, पानी की तकलीफ है मुमरा में? पानी की एरिया में तकलीफ तो नहीं है, मगर पाइप टूट जाता है, बनाना चाहिए। ये कितने दिन से पानी बह रहा है, आप आते जाते हैं यहाँ से, कब से देख रहे हैं? इधर तो हमेशा अगर एक बनता है एक टूट जाता है, फिर बनता है फिर टूट जाता है, ध्यान देना चाहिए म्युनिसिपैलिटी में। तो आपने सुना कि जो लोग हैं उनका कहना है कि पानी पुरवठा विभाग को ध्यान देना चाहिए, लेकिन सवाल यही उठता है कि आखिर जब खबरें चलती हैं उसके बाद जो है पानी पुरवठा विभाग की जो है नींद खुलती है, उसके बाद ऐसे जगहों पर जो है वो लोग बनाने के लिए पहुंचते हैं, और इस तरह से जो पीने का पानी है वो हजारों लीटर पानी जो है यहाँ पर बर्बाद होता है। कैमरामैन नीलेश कन्नौजिया के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुमरा।